जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं, चाहे वो रामचरितमानस का मुद्दा हो, चाहे रामचरितमानस की चौपाइयों का मुद्दा हो। तो दोस्तों लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विपक्षियों के लिए जवाब दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर रामचरितमानस और उसके चौपाइयों पर निशाना साध लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए सुंदरकांड की उस चौपाई का जिक्र किया जिसमें ढोल गवार शुद्ध पशु नारी का जिक्र है। हाँ दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर एक ट्वीट किया है। पहले आपको वो ट्वीट सुनाते हैं कि उसमें ट्वीट क्या लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट में लिखा है, ढोल गबार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी उसी सुंदर कांड का हिस्सा है जिसका सरकार ने पाठ कराने का निर्णय लिया है। यानी सरकार का ये निर्णय महिलाओं व शुद्ध समाज को प्रताड़ित व अपमानित करने वाले 3% लोगों को बढ़ावा देने एवं 97% हिंदू समाज के भावनाओं को आहत करने वाला है। दोस्तों आपको एक बात बता दें, सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वो घर घर रामचरितमानस का पाठ कराएगी। तो दोस्तों यहीं पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, आप इसको किस तरीके देखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस के अखंड रामायण पाठ का स्वागत करते हैं, जबकि उन्हीं के पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी ही पार्टी के मुखिया की लाइन से अलग हटकर सरकार पर निशाना साध दिया है। गुरुवार को उन्होंने इस फैसले को महिला और शूद्र समाज को प्रताड़ित और अपमानित करने वाले लोगों को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव के बयान से इतर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान अब तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हाँ दोस्तों आपको बता दें, एक तरफ सरकार ने रामचरितमानस का पाठ कराने का संकल्प लिया है, तो वहीं अखिलेश यादव ने इसका स्वागत किया है। तो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य महासचिव, उन्होंने इसका खंडन किया है और इसका विरोध कर रहे हैं लगातार। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की लाइन अलग दिख रही है, हमें कमेंट में जरूर बताइए।